और आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ये अंतिम यात्रा निजामुद्दीन घर से अब पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और साथ ही इस अंतिम यात्रा में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, हर पार्टी का नेता और कई लोग, आम लोग भी जुटे हैं। ये तस्वीरें आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी शीला दीक्षित, और ये तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल निजामुद्दीन से पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय की तरफ ले जाया जा रहा है। अंतिम यात्रा शुरुआत हो चुकी है, वहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे और फिर उसके बाद अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सियासत की शिल्पकार माना जाता है शीला दीक्षित को। बस रह जाएंगी सिर्फ और सिर्फ, कल ही से श्रद्धांजलि देने वालों का नाता लगा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ट्वीट करके उन्होंने शीला दीक्षित के किए गए तमाम कार्यों को याद किया। दिल्ली के विकास में किस तरीके से उनका अहम योगदान रहा, 3 बार मुख्यमंत्री रही, उन तमाम कार्यों को भी उन्होंने याद किया और उसका जिक्र भी किया अपने ट्वीट में। कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। फिलहाल पार्थिव शरीर को वहीं रवाना किया जा रहा है। ठीक 12 बजे का वक्त है, यानी अब से कुछ ही क्षणों बाद शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा और अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे और फिर उसके बाद अंतिम यात्रा की शुरुआत वहीं से। कांग्रेस की संकट मोचक आखिरी सफर के लिए तैयार, ये तस्वीरें वहीं से दिखा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी किस तरीके से शीला दीक्षित की भूमिका काफी अहम रही। गांधी परिवार से कितनी करीबी थी शीला दीक्षित, वो भी चुनावों में भी नजर आया। और हर बार राहुल गांधी किस तरीके से उनके करीब थे, उनको बेटा कहा करती थी शीला दीक्षित, वो भी तस्वीरें कई बार सामने आती थी। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।